पालमपुर में संपर्क को समर्थन अभियान के दौरान भाजपा की ओर से माध्यमों की बाइक रैली को कांगड़ा चंबा के सांसद शांता बाइक रैली को कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान शांता कुमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के 4 साल विकास को समर्पित रहे हैं, जबकि विपक्ष की भूमिका केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की सोच तक ही सीमित रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां जनता को अपने साथ जोड़ रही है, वहीं विपक्ष की पार्टियों द्वारा एक दूसरों को अपने साथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को हराने के सपने देख रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के टूटे फूटे टुकड़े इकट्ठे होकर भाजपा को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा समूचे देश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज पालमपुर में बाइक रैली का आयोजन किया गया, किस तरह से आकलन करते हैं इन 4 वर्षों का? देखिए, 4 वर्षों में अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम हुआ है। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली सरकार 10 साल कांग्रेस की पूरे दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार के लिए मशहूर थी। अब दिल्ली सरकार नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हुआ और गांव गरीब किसान के लिए नई नीतियों का संचालन हुआ है, जिनका प्रभाव हो रहा है और जनता अनुभव कर रही है कि एक अच्छी सरकार आई है। 4 साल हमने पूरे किए हैं और 4 साल के बाद देश की राजनीति में 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर विपक्ष की है, एक हमारी भी। विपक्ष के टूटे फूटे टुकड़े इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं हमको हराने के लिए। आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, वो काम कर रहे हैं। हम जनता के पास जा रहे हैं, हम जनता के पास जा रहे हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं। वो हमको हराने के लिए सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपर्क कर रही है समर्थन के लिए और देश के सभी लोगों के पास जा करके हम 4 वर्ष की अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे, बताएंगे और उनसे समर्थन की प्रार्थना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से समर्थन लेने की बात पर कहा कि पिछले 4 साल से पीडीपी के साथ जम्मू में सरकार तालमेल बना रही थी, लेकिन सही न होने के कारण समर्थन वापस लिया गया है और वहां पर राज्यपाल शासन लागू होने से वहां के हालात में सुधार होगा। आतंकी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार कठोर कदम उठाएगी। उन्होंने भाजपा समर्थित कुछ पार्टियों के अलग होने की बात पर कहा कि समय रहते सब ठीक हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनावों में जनता नरेंद्र मोदी के पिछले 4 साल के कामों को देखकर वोट करेगी। पीडीपी अलग हुई है, वहां चंद्रबाबू नायडू ने अलग होने की बात कही है, तो क्या जब तक चुनाव आएंगे इस तरह से अगर सहयोगी टूटते हैं तो भाजपा की संभावनाओं पर असर पड़ेगा? देखिए, जनता हमारे साथ जुड़ रही है, ये ठीक है। किन्हीं प्रादेशिक कारणों से कुछ लोग नाराज सहयोगी अलग हुए हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थिति फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन जनता के साथ जो हमारा जुड़ाव है वो बहुत अधिक है। देखिए, आप अपने सामने एक दृश्य, सारे भारत को अपने सामने रखिए, जब आप पार्लियामेंट का वोट डालने लगेंगे हर एक भारतीय के सामने आएगा कि ठीक है 15-20-25 टूटे फूटे दल इकट्ठे हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुकाबले पर देश में कौन होगा? कोई जवाब देश के सामने नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प देश की किसी पार्टी के पास नहीं है और ये पार्टी इकट्ठी हो जाए तो भी नहीं है, 10-15-20 लंगड़े मिल जाए तो एक आदमी नहीं बन सकता दौड़ने वाला। तो श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक संगठित पार्टी, उसका भी देश में कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कुछ भी किया जाए देश की राजनीति में, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। और हमने इन 4 वर्षों में जो कार्यक्रम शुरू किए हैं उनको पूरा करने का समय देश की जनता हमको देगी। कश्मीर में अब राज्यपाल शासन लगने के बाद स्थिति में सुधार आएगा? उम्मीद है आएगा, क्योंकि कश्मीर में हमने एक नया प्रयोग किया था पीडीपी के साथ, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ,
इसलिए वहां से भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ किया है। वैसे कश्मीर की स्थिति बहुत बहुत चिंताजनक है, रोज वहां पर लोग मर रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं और बहुत पुरानी ये समस्या है। इसको देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया विचार, नई दिशा देने की जम्मू कश्मीर को कोशिश की जाएगी और आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से काम करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।